Hey everyone, this is Nasima. Welcome back to my channel, and those who are new to this channel, welcome to my channel. So jinhone bhi tene se ek video ki video miss out kar di hai to uska link maine apne description box mein diya hai, you can check it out. Aur jaisa ki main aap logo ke sath apni tene se ki trip share kar rahi thi, so this is the further story. So hum tene se ek video se nikalne ke baad jo hai wo IMAX theater gaye, jo ki iske bilkul kareeb mein hi hai, yani walking distance par hi hai. और हमें आसपास के एरिया का मुनाइजा करना था, सो हमें वॉकिंग करना यानी ज़्यादा बेहतर लगा. सो आइए पहले देखते हैं कि आसपास के एरिया कैसा दिखता है, फिर चलेंगे आईमैक्स थिएटर. देखते-देखते हम पहुंचे IMAX थिएटर, जो कि बिल्कुल करीब में ही था, यानी 2 to 3 minutes का कुछ वॉकिंग डिस्टेंस था. और ऐसा सेफ्टी प्रोटोकॉल यहाँ की भी हमने टिकट्स जो है पहले से परचेज करके रखी थी. और यहाँ काउंटर से हमने कुछ पॉपकॉर्न और कोक लिया, और यहाँ पर कुछ 45 minutes की एक पोलर बेयर की 3D मूवी देखी. उसके बाद हम वापस से एक्वेरियम के एरिया में चले गए, क्योंकि वहाँ पर उसके ऑपोजिट में है एक रिवर फ्रंट पार्क, जो कि वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन है. तो आइए देखते हैं वो कैसा दिखता है. और इसके साथ ही मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पर अधिकतर अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में हैम एंड बेकन का ऑप्शन रहता है, जो हम पर्सनली खाना अवॉइड करते हैं. एनीवे, सो रिवर फ्रंट पार्क एक्चुअली टेनेसी एक्वेरियम के बिल्कुल ऑपोजिट में ही है, और वो कुछ इस तरह दिखता है. सो रिवर फ्रंट पार्क पहुँचने के बाद हमने फर्स्टली देखा पैसेज, जो कि अमेरिकन हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंस रखता है, और ये कुछ इस तरह दिखता है. टेनेसी रिवर के ऊपर स्थित है, जहाँ पर आप बंच ऑफ एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हो. फिशिंग के प्रायर्स है, जहाँ से आप फिशिंग एंजॉय कर सकते हो, या फिर आप अपने फैमिली को लाकर यहाँ लंच या स्नैक्स एंजॉय कर सकते हो विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, या फिर यहाँ साइकिलिंग कर सकते हो, लाइव म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो, या फिर यहाँ प्राइवेट बोट लॉन्च की भी जगह है, जहाँ से आप बोट लॉन्च कर सकते हो. एज वेल एज यहाँ से आपको 2 famous bridges नज़र आएंगे, दैट इज़ मार्केट स्ट्रीट ब्रिज, जो कि वक्त आने पर इस तरह ओपन हो जाता है, एज वेल एज स्मॉलर स्ट्रीट ब्रिज, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज. रिवर फ्रंट पार्क से हम पहुँचे हमारे होटल रूम, जो कि कुछ इस तरह दिखता है. और यहाँ पर एक एन हिस्टोरिक होटल है, दैट इज़ कॉल्ड चैतनुंगा चूचू, जहाँ की बुकिंग्स बहुत दिन पहले से हो जाती है. और अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ की बुकिंग्स जो है नहीं मिली, तो हमने कुछ ये वाला रूम लिया ये वाले होटल में, और रूम कुछ इस तरह दिखता है. और हमने कुछ नॉन स्मोकिंग रूम लिया था, तो इसीलिए विदाउट बालकनी मिली थी हमें ये रूम, और विंडो से भी आपको व्यू बताऊंगी मैं. तो रूम कुछ इस तरह दिखता है, और सेंट्रलाइज्ड एसी एंड हीटर तो हर होटल रूम में ही यहाँ पर होता है, एज वेल एज़ यहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन, कॉफ़ी के जो कप्स हैं वो दिए हैं, छोटा सा एक माइक्रोवेव दिया हुआ है अगर आपको खाना वगैरह गर्म करना हो तो, और यहाँ पर एक छोटा सा फ्रिज दिया हुआ है, जहाँ पर अगर आपको कोक वगैरह या फिर कुछ रखना चाहते हो, सो इट इज़ कन्वीनियंट के हिसाब से आपको सब कुछ ही दिया हुआ है. और यहाँ पर कुछ ब्रेकफास्ट के टोस्ट वगैरह ऐसे दिए हुए थे, जो हमने यूज़ नहीं किया. और मेरी विंडो से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है.
और यहाँ पर ना ये ऐसे दो टाइप के कर्टन्स हैं, एक ये वाला जो कि आप इससे वो कर सकते हैं और एक है ये जो कि तो ये वाला भी इसी के साथ आप जो है। सो आई होप आप लोगों को ये होटल रूम टूर अच्छा लगा होगा। मैंने एवरी स्मॉल डिटेल होटल रूम की शेयर करने की कोशिश की है कि अगर इन फ्यूचर अगर यहाँ पर चैतनुंगा में ये होटल में रहना चाहता है तो यहाँ पर कुछ इस तरह दिखता है। एंड दिस इज़ नॉट अ प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट, या फिर ये प्रमोटेड वीडियो नहीं है। और चैतनुंगा में जो लोग आए उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहे, या फिर जो लोग नहीं आ पाए तो वो लोग इसी तरह वर्चुअली एंजॉय कर सके कि मैं क्या देख रही हूँ यहाँ पर चैतनुंगा में, क्या चीज़ें हैं देखने लायक। सो आई होप आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एनीवे सो फ्रेश होटल रूम में फ्रेश होने के बाद हम पहुँचे सदर्न बेले रिवर बोट क्रूज़, जहाँ की भी बुकिंग हमने पहले से कर रखी थी। बोटिंग करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं इसके गिफ्ट शॉप पर। कुछ 50 मिनट्स की बोट राइड थी और सनसेट यानी इवनिंग का वक्त हमने सिलेक्ट किया था और बहुत खूबसूरत व्यू था। 50 मिनट्स कब निकल गए कुछ पता ही नहीं चला। सो मैं बस थोड़ी बहुत ग्लिम्स आप लोगों को बताती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो है आप बियर एंड कुछ स्नैक्स वगैरह की भी ऑप्शन रहते हैं, जिस जो टिकट्स में इंक्लूड नहीं होता उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो वो आप पे करके आप वो सब स्नैक्स या फिर बियर वगैरह एंजॉय कर सकते हो।
वापस से रिवर फ्रंट पार्क पहुँचे जहाँ पर कुछ लाइव म्यूज़िक हो रहा था। तो आइए चले किस तरह का यहाँ पर लाइव म्यूज़िक होता है वो आप लोगों को बताती हूँ। करीब में ही एक फॉर्चुनेटली हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिला, तो जहाँ से हमने एक वेज थाली ऑर्डर की और हमने होटल रूम में जाकर जो है वो अपना मील एंजॉय किया। वैसे तो आप यहाँ पर बैठकर भी खा सकते हो, बट वी प्रिफर्ड गोइंग टू होटल रूम। और एक अगर आप वेज थाली लेते हो तो इट्स इनफ फॉर टू ऑर्डर्स। और हम खाना वाना खाकर फ्रेश होकर जो है सो गए। नेक्स्ट डे की स्टोरी आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। और ये वाली जो चीज़ है वो मैंने सर्दन बैली से ली थी एज अ मेमोरी। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। सी यू नेक्स्ट टाइम।